कोरोना से लड़ाई में तब तक पूरी कामयाबी नहीं मिल सकती जब तक इसकी वैक्सीन ना विकसित कर ली जाए। खबरों के मुताबिक अमेरिका में कोरोना वैक्सीन का सफल ह्यूमन ट्रायल हुआ है। अमेरिका की दवा कंपनी मॉडर्ना के इस ऐलान से कोरोना वैक्सीन के बनने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। कंपनी ने कहा है कि ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल के शुरुआती नतीजे सकारात्मक आने के बाद जुलाई में वैक्सीन के ट्रायल का तीसरा चरण शुरू हो जाएगा। mRNA vaccines work by basically encoding the digital information that a virus uses to take over our cells. And what the vaccine does is it basically mimics that information and it brings that information into the body. It's an injection just like any other vaccine. जानकारी के मुताबिक तीसरे चरण की सफलता के बाद कंपनी वैक्सीन बनाने का लाइसेंस हासिल करने के लिए अप्लाई कर सकेगी। मॉडर्ना पहली दवा कंपनी है जिसने अपनी आरएनए आधारित वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल किया है। पहले चरण के क्लिनिकल ट्रायल में हिस्सा लेने वाले हर शख्स को 25, 100 या 250 माइक्रोग्राम की खुराक दी गई थी। क्लिनिकल ट्रायल में शामिल लोगों के अलग अलग ग्रुप बनाए गए थे और हर एक ग्रुप में 15 लोग रखे गए थे। अंतरिम नतीजों के मुताबिक इन सब के एंटीबॉडी उसी स्तर पर थे जो आमतौर पर उन लोगों के ब्लड सैंपल्स में देखे गए थे जो कोरोना वायरस से संक्रमित थे। जानकारों का मानना है कि ये खबर कोरोना की लड़ाई को मजबूत बनाने का काम करेगी। मॉडर्ना के जो आज वैक्सीन के परिणाम आए हैं वो बहुत उत्साहजनक है। ये एक डिस्कवरी है जो हमें बताती है कि सिर्फ महज 3 महीने में हमने एनिमल से ह्यूमन तक की ट्रायल कर ली है। ये फेज 3 ट्रायल के नतीजे जो आने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दिशा में सबसे अच्छे उत्साहजनक ट्रायल अभी तक जो मिला है वो मॉडर्ना कंपनी का है, जिसकी वैक्सीन में mRNA-1273 वैक्सीन के काफी अच्छे नतीजे ह्यूमन्स में आए हैं और ह्यूमन ट्रायल के बाद इनके लो डोज और मीडियम डोजेस पे भी अच्छे ट्रायल्स आए हैं और एंटीबॉडी का लेवल इवन लो डोज पे भी देखा गया है कि काफी अच्छा है, जो कि एक अच्छी प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। जाहिर है वैक्सीन आएगी तो फिर कोरोना से निजात पाने के लिए आजमाए जा रहे अलग अलग तरीकों से फोकस हटाया जा सकेगा। हाल ही में यूवी लाइट को भी कोरोना से लड़ाई में मददगार बताया गया था कि यूवी रेज जर्मिसाइडल इफेक्ट होता है और डीएनए को मारता है। जनरली यूवी रेज में ए, बी और सी प्रकार की होती हैं, जिसमें सी प्रकार की जनरली अर्थ के एटमॉस्फेयर में अब्सॉर्ब हो जाती हैं, जो कि कार्सिनोजेनिक भी पाई गई हैं। वैसी ए और बी का अगर प्रोलॉन्ग एक्सपोजर होता है तो वो भी डीएनए को डैमेज करके कैंसर करने के सक्षम होती हैं। इसी माध्यम से अगर देखा जाए तो यूवी रेज का जो नया प्रकरण आया है और जो नया पेपर पब्लिश हुआ है वो ये कहता है कि अगर हम छोटी मात्रा में यूवी रेज दें तो वो कोरोना जैसे वायरसेस को मारने में सक्षमता पाई गई है। लेकिन जानकारों का कहना है कि इसका भी अभी तक कोई ठोस आधार नहीं है। साथ ही उन्होंने इससे जुड़े खतरों को लेकर भी लोगों को आगाह किया है। यानी वैक्सीन हो या फिर कोरोना से बचाव का कोई और विकल्प, किसी पर भी फिलहाल आंख मूंद कर यकीन करने की जरूरत नहीं है। अभी तो जरूरत सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और दूसरे तरीकों से खुद को कोरोना से बचाए रखने की है।